आज मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष जब आपको प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो उसको पहनने की, धारण करने की कौन सी सही विधि है जिससे रुद्राक्ष बहुत जल्दी आपके लिए रुद्राक्ष को सम्मान करिए, क्योंकि ये कोई मामूली फल नहीं है। ये साक्षात भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ हुआ एक बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और एक बहुत ही ज़्यादा दैवीय फल है, तो इसका सम्मान आपको करना चाहिए। सर्वप्रथम रुद्राक्ष को लीजिए, अपने माथे पर लगाइए। आपको रुद्राक्ष को हमेशा धारण करना है शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन, सुबह जितनी हो उतना ही अच्छा आपके लिए है। तो सुबह के दिन से एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन आपको आपके रुद्राक्ष को गाय के पीले दानेदार घी के अंदर पूरी तरह से डुबो देना है और ये काम पूरा एक रात तक चलेगा। अगले दिन सुबह आएगी सोमवार की, सोमवार की सुबह को अपने रुद्राक्ष को निकालिए, उसको आप स्वच्छ पानी से साफ कर लीजिए, आप दूध से भी साफ कर सकते हैं। आपको अपने रुद्राक्ष को हाथों में लेना है कुछ इस तरह, आपकी माला हो, आपका एक मुखी, दो मुखी, किसी भी तरह का रुद्राक्ष हो, उसको इस तरह हाथ में लीजिए, अपनी आंखों को बंद करिए और भगवान शिव शंकर का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करिए। आप धूप दिखाइए, बत्ती दिखाइए, फूल पुष्प चढ़ाइए। जब आपके मंत्र 108 बार हो जाएं, तब आप अपनी आंखें खोलिए और आप जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं या जो भी आपकी इच्छा है, उसको, उस इंटेंट को अपने रुद्राक्ष में डालिए और भगवान शिव से ये श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक आग्रह करिए कि हे शिव जी, मेरे जीवन से ये समस्या दूर करिए या मेरी ये इच्छा पूरी करिए। यहाँ पे अब आपके रुद्राक्ष में इंटेंट जा चुका है, आपका रुद्राक्ष पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अब आप इसको लाल धागे में पहन सकते हैं या अगर आपकी इच्छा है, आपके पास सामर्थ्य है, तो चांदी या सोने की चेन में भी पहन सकते हैं।